अच्छा, शैतान जो है ना, ये जानता है कि तुम लोग सब नियत को बहुत अहमियत दे रहे हो। जो सही चीज़ है, सही अकीदा और मनहज है, वो ये कि नियत को बहुत ध्यान देना चाहिए, नियत की तरफ, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नियत पर है। और शैतान को भी ये मालूम है, तो शैतान इंसान को इसी चीज़ से कई बार डराता है। बोलता है तुम ज़रूर ये काम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, उससे तो अच्छा मत करो। शैतान कहता है कि दिखाने के लिए तुम कर रहे हो, उससे तो अच्छा मत करो। सदका देने आ रहा है, तुम जरूर दिखाने के लिए कर रहे हो, उससे तो अच्छा मत दो। आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है खुशू से, तो जरूर तुम दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, उससे तो अच्छा मत पढ़ो। उम्रा करने की नियत की, हज करने की नियत की, जरूर दिखाने के लिए कर रहे हो। तो शैतान डराता है इंसान को यह कहकर। इसका जवाब कौन बताएगा, इसका जवाब कौन बताएगा, सही है गलत है? शैतान सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्या गलत बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही, नेक अमल से रोक रहा है। दो ऑप्शन दे रहा है, बोले कि या तो दिखाने के लिए करो या तो मत करो। तीसरा ऑप्शन दे ही नहीं रहा है कि सही नियत से करो। हाँ करो और सही नियत से करो, ये तीसरा ऑप्शन रख ही नहीं रहा है। वो दो ऑप्शन रख रहा है, बोले इसमें चुनो, और दोनों ऑप्शन गलत है। दोनों जो चॉइस है वो दोनों में से किसी पे भी टिक नहीं लगाना है, ना गलत नियत से करना है ना नहीं करना है। क्योंकि अगर आदमी नहीं करे तो नेकियां ऐसे ही करके माइनस होती जाएगी, फिर बचेगा क्या हमारे तराजू में कयामत के दिन? भाई सब चीज में वो डराएगा, बोले तुम गलत नियत से कर रहे हो। तो सही बात क्या है, करके रहो, और किसके लिए करो? अल्लाह के लिए करो।